चुनाव का महापर्व है और नेताओं की गांव में आवाजाही होने लगी है। हर बार की तरह लोकसभा चुनाव के लिए सांसद बनने की ललक में नेताजी वोट मांगने गांव जाएंगे, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर वर्तमान सांसद को प्रवेश करना भी भारी पड़ सकता है। ग्रामीणों ने सांसद के गांव में नो एंट्री का ऐलान कर दिया है। बूथ पर फिर भी अमरवाड़ा ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और झीर पानी के ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा है। आपको बता दें कि गांव में मतदाताओं ने बूथ नहीं होने से विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बूथ ही नहीं है, ऐसे में वो मतदान नहीं करना चाहते। अमरवाड़ा ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। झीर पानी के ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनके गांव में बूथ ही नहीं है। अगर गांव में बूथ नहीं है तो उन्हें लगता है कि किसी तरीके से उनके गांव की अनदेखी की गई है और इसी लिहाज से ग्रामीणों ने अब विरोध दर्ज किया है और मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ग्रामीण एकजुट होकर सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में बूथ ना होना इस बात का संकेत देता है कि उनके गांव की अनदेखी की गई है और इसी लिहाज से अब उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। झीर पानी के ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनके गांव में बूथ का निर्माण नहीं किया गया, ऐसे में उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजान सिंह, हमारे संवाददाता हैं, बातचीत करते हैं उनसे। जी सुजान सिंह, जिस तरीके से ग्रामीणों में गुस्सा है, उनके गाँव में बूथ का निर्माण नहीं किया गया, ऐसे में चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आरती, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं गांव वाले कि वहां पर किसी भी कंडीशन से बूथ होने चाहिए, क्योंकि जिस जहां पर ये वोट डाला जाता है वहां पर बहुत दूरी है और अभी इतनी तपती धूप में ग्रामीण वहां पर वोट डालने नहीं जा सकते। कुछ लोग विकलांग भी है, इसीलिए उन लोगों की मांग है कि हमारे गाँव में ही बूथ होने चाहिए, क्योंकि वहां पर लगभग 450 मतदाता है। जी, तो इस लिहाज से अब ग्रामीणों ने जिस तरीके से इनकार किया है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या प्रशासन किसी तरह की बातचीत गांव वालों से कर रहा है, किसी तरह के उपाय करने की कोशिश की जा रही है? हाँ आरती, मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय हम वहां पर पहुंचे, गांव वालों से बात करें, गांव वालों ने स्पष्ट रूप से हमको ये कह दिया कि गांव की हमारी पूरी सहमति बन गई है और हम वोट नहीं डालेंगे। वोट अगर उसी शर्त पे डालेंगे कि अगर बूथ यहाँ होगा। उसके बाद जैसे ही हम वहां से निकले हैं, उसके बाद फिर पूरा प्रशासन का हमला वहां पर पहुंचा। जी सुजान सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि उनके गांव में बूथ नहीं है, ऐसे में उन्हें वोट डालने के लिए काफी दूर जाना होगा, ऐसे में उन्हें लगता है कि उनके गांव की अनदेखी की गई है।